कहानी का शीर्षक सहचर। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग एक। ठाकुर कामता सिंह एक जमींदार हैं। लगभग 500 रुपए वार्षिक के मालगुजार हैं। कुछ गांव 16 आने हैं और कुछ में हिस्से हैं। कामता सिंह उन अधिकांश जमींदारों में से हैं जिनके कारण जमींदारी पेशा बदनाम है, बल्कि यदि देखा जाए तो वह अन्य जमींदारों से 2-4 कदम आगे ही बढ़े हुए हैं। जैसा कि नियम है, ऐसे जमींदारों के शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा पीड़ित लोगों को अन्य जमींदार अथवा ग्रामीण भड़काया करते हैं। ऐसों में प्रायः ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई निजी स्वार्थ होता है, अर्थात ऐसे छोटे अथवा दुर्बल जमींदार जिनका प्रभाव उक्त जमींदार के सामने नगण्य होता है। स्वयं उनकी प्रजा भी उक्त जमींदार के सामने उनका कोई महत्व नहीं समझती, अथवा वे लोग जो स्वयं उक्त जमींदार से पीड़ित होते हैं और स्वयं अलग रहकर किसी दूसरे के द्वारा अपनी प्रतिशोध अग्नि को शांत करना चाहते हैं। संध्या का समय था। कामता सिंह अपने बड़े तथा पक्के भवन के सामने के प्रांगण में बैठे हुए थे। प्रांगण में 3 तख्त बिछे हुए थे। इनमें से एक पर गद्दी तकिया लगा हुआ था। इस पर कामता सिंह विराजमान थे। 2 तख्त आने जाने वालों के लिए बिछे हुए थे। इनके अतिरिक्त कुछ मोड़े तथा लकड़ी और लोहे की कुर्सियां भी रखी हुई थीं। कामता सिंह के पास कई आदमी बैठे हुए थे, कुछ मोड़ों और कुर्सियों पर तथा कुछ तख्त पर। ठाकुर साहब के बगल में उन्हीं के तख्त पर एक शिकारी कुत्ता अपने अगले पैर फैलाए तथा उन पर मुंह रखे चुपचाप बैठा था। ठाकुर साहब अपना बायां हाथ उस पर फेर रहे थे। ठाकुर साहब की वयस 40 वर्ष के लगभग थी। हृष्ट पुष्ट, दीर्घकाय तथा बलवान व्यक्ति जान पड़ते थे। मुख पर कर्कशता, आंखें कुछ उबली हुई तथा आरक्त। एक अधेड़ सज्जन कह रहे थे, आप कहीं जाया करें तो हाथी पर जाया करें। सो तो हम जाते ही हैं, परंतु सच्ची बात तो यह है कि जब तक उसकी मर्जी न होगी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह तो पक्की बात है ठाकुर, 2-3 व्यक्ति बोल उठे। अधेड़ सज्जन बोले, यह तो है ही, इसमें क्या कह सकता है, परंतु उपाय करना भी आवश्यक है। सो क्यों नहीं, उपाय न करें और भगवान को दोष दें। वही कहावत है कि चलनी में दूध दुहें और कर्म को दोष दें। सो उपाय तो हम रखते हैं, यदि कहीं हम अकेले भी पड़ जाएं तो यह शिकार हमारे साथ हो तो 10-12 लठैत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह बात तो है ठाकुर, यह शिकारी बड़ा होशियार है। कुत्ते सभी होशियार होते हैं, पर यह शिकारी बड़ा बेढब है। कोई आपकी तरफ जरा घूर कर भी देखता है तो यह चौकन्ना हो जाता है। उस दिन एक आसामी आया, वह हमसे बात करते करते जरा जोर से बोलने लगा। सो बस इसने त्योरी बदली। इसके त्योरी बदलते ही आसामी का बोल बंद हो गया, फिर वह जोर से नहीं बोला। आप इसकी सेवा बर्दस्त भी तो बहुत करते हैं, अपने बाल बच्चों की तरह रखते हैं। मैं अपने सामने इसे खिलाता हूँ, नौकर का भरोसा नहीं करता। मेरी चारपाई के पास ही इसका खटोला रहता है, उसी पर सोता है। बताओ, इतनी बर्दाश्त कौन कर सकता है। शेर भर तो गोश्त पाता है, आधा शेर सवेरे और आध शेर सांझ को और 2 शेर दूध। शेर भर तड़के जहां भैंसें दुई गईं, बस पहले यह चख लेता है और इसी तरह शेर भर सांझ को और बीच बीच में टुंगार पाता रहता है। कोई लड़का बच्चा खाने बैठा, उनके पास बैठ गया, उनसे कुछ पा गया। हाँ, हर वक्त छका रहता है। शिकार में जाता है तब इसे देखो,
जिस खरगोश या हिरन को देख लेगा बस फिर वह शायद ही निकल जा सके, नहीं तो यह मार ही लेता है। हिरन के बराबर दौड़ लेता है बड़े मजे से। तभी तो आपने इसका नाम भी शिकारी रखा है। यह कुत्ता भी शिकारी जाति का है। जरूर होएगा, देखिए कुछ चौकन्ना है और हम लोगों को गौर से देख रहा है। यह समझ गया कि हम लोग इसके संबंध की बात कर रहे हैं। क्यों बे? यह कहकर ठाकुर साहब ने उसे थपथपाया। शिकारी ने कान दाबकर दुम हिलाते हुए ठाकुर साहब की ओर देखा और तत्पश्चात पुनः मुंह घुमाकर हांफने लगा। ठाकुर बोले, हमें थोड़ा बहुत खटका ठाकुर ध्यान सिंह से है और किसी से हमें भय नहीं है। बड़ा पाजी ठाकुर है। पाजी तो खैर है ही है, सामने नहीं आता, छिपे छिपे वार करना चाहता है, इसी मारे उससे खटका है। सामने आकर वार करने वाले से खटका नहीं होता, खटका तो इन नागों से है जो छिपकर काटना चाहते हैं। यही बात है ठाकुर। भाग दो। उधर ठाकुर ध्यान सिंह कामता सिंह के अन्यतम शत्रु थे, छोटे जमींदार थे। कामता सिंह के मारे उनकी जमींदारी मिट्टी हो रही थी, उनका कुछ भी प्रभाव नहीं था। खास उनकी ही जमींदारी के आदमी उनकी अवहेलना करते थे। कोई काम पड़ता था तो कामता सिंह के आदमी उनकी जमींदारी के आदमियों को बेगार में पकड़ ले जाते थे। न ध्यान सिंह में इतनी शक्ति थी कि वह कुछ हस्तक्षेप करे और न गांव वाले ही उनके कहने से विरोध करने को उद्यत होते थे, बल्कि प्रायः वे स्वेच्छा से ही ध्यान सिंह के रुकते रहने पर भी कामता सिंह के काम पर चले जाते थे। कोई पारस्परिक झगड़ा होता था तो उसका भी न्याय कामता सिंह से ही कराते थे, ध्यान सिंह से बात भी न करते थे। यद्यपि कामता सिंह बहुधा न्याय के बहाने अन्याय ही करते थे, परंतु तब भी गांव वाले कामता सिंह के पास जाते थे। कामता सिंह का इतना आतंक, इतना प्रभाव ध्यान सिंह को असह्य हो रहा था। वह मन ही मन भुना करते थे परंतु विवश थे। दोपहर का समय था, ध्यान सिंह अपने घर के बाहरी भाग में बैठे हुए थे। इस समय वह अकेले थे। इसी समय उनके पास एक 28-29 वर्ष का रिष्ट पुष्ट कसरती जवान पहुंचा। उसे देखकर ध्यान सिंह बोले, क्या है रामचरण, कैसे आए? रामचरण उनके सामने उकड़ू बैठ गया और बोला, आपके पास फरियाद लाए हैं मालिक। फरियाद मेरे पास? कामता सिंह के पास जाओ, वही तुम लोगों का न्याय करते हैं, हम काहे में हैं। आप क्यों नहीं हैं सरकार, जमींदार तो आप ही हैं। हाँ, खाली पैसा लेने भर के, बाकी हुकुम तो यहाँ कामता सिंह का ही चलता है, झूठ कहते हैं। नहीं सरकार, कहते तो आप सच्ची ही हैं। गांव की यह दशा न होती तो कामता सिंह की मजाल थी कि हमारे गांव पर टेढ़ी निगाह डाल सके, पर गांव तो बिगड़ा ही हुआ है सरकार, कामता सिंह का बोलबाला है, पर अब तो हद हो गई। क्या हुआ? अब इज्जत पाबरू पर भी नौबत आ गई सरकार। हम जात के अहीर जरूर हैं, पर इज्जत आबरू तो हमारी भी है सरकार। हाँ क्यों नहीं, इज्जत आबरू तो सबकी है, चाहे जिस जात का हो, ध्यान सिंह ने उत्सुकता पूर्वक कहा। और कोई चाहे सह ले, पर हम तो नहीं सहेंगे। सहना भी नहीं चाहिए, यह तो मैं सदा कहता आया हूँ, पर मेरी बात ही कोई नहीं सुनता। परंतु बात क्या हुई, पहले यह तो बताओ। कामता सिंह ने हमारी आबरू ले ली सरकार। ध्यान सिंह लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए और बोले, क्या बात हुई है? कल सांझ को हमारी जवान बहन को, जबकि वह बाहर शौच के लिए गई हुई थी, कामता सिंह के आदमी उठा ले गए। रात भर उसे रखा, सवेरे फिर यहीं छोड़ गए। हैं? ध्यान सिंह ने नेत्र विस्फारित करके कहा। हाँ मालिक, हम तो किसी काम के नहीं रहे सरकार। यह कहते कहते रामचरण रो पड़ा। यह तो बड़ा गजब किया रामजादे ने।
कुछ पूछिए नहीं सरकार, कलेजे में आग लगी है। यही लॉ लगी है कि या तो उसकी जान ले लें या अपनी जान दे दें। पर एक तो गरीब आदमी ठहरे, दूसरे सारा गांव और पुलिस कामता सिंह के कब्जे की है। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है सरकार। ध्यान सिंह का मस्तिष्क सक्रिय हो गया। उन्होंने देखा कि कामता सिंह से बदला लेने के लिए रामचरण एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। अतः वह बोले, यह तो बड़ा गजब हो गया रामचरण, इस बेइज्जती से तो मर जाना अच्छा है। गांव वालों को तो यह हाल मालूम हो गया होगा। सबको नहीं तो हमारे पास पड़ोसियों को तो मालूम ही हो गया, पर कामता सिंह के डर के मारे कोई सनक नहीं रहा है। सब अनजान बने घूम रहे हैं, पर आपस में खुसुर पुसुर चल रही है। इसी से हमने समझा कि उन्हें पता लग गया। तब तो तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए, इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं हो सकती। बेइज्जत होकर जिए तो क्या जिए। बात तो सरकार यही है, इसीलिए हम सरकार के पास आए हैं कि अब जैसा सरकार हुक्म दें वैसा करें। ध्यान सिंह कुछ क्षण सोच विचार करने के पश्चात बोले, हिम्मत है सो तो जैसी आप सलाह देंगे वैसा होगा, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। अच्छा तो सुनो। इसके पश्चात दोनों में बहुत ही धीमे स्वर में वार्तालाप होने लगा। भाग 3। वार्तालाप करने के पश्चात ध्यान सिंह बोले, खूब अच्छी तरह होशियारी से काम करना। पहले उनका सब वक्त कि किस समय क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, इन सब बातों को समझ लेना। बस निकल भर आना, फिर हम सब ठीक कर लेंगे। देखिए भगवान के हाथ की बात है। यह कहकर रामचरण चल दिया। 3 दिन व्यतीत हो गए। कामता सिंह शाम को झूठे पुटे के लगभग शौच के लिए बाहर निकला करते थे। साथ में 2 लठबंद जवान और शिकारी रहता था। आज भी कामता सिंह उसी समय उसी प्रकार शौच के लिए निकले। एक स्थान पर पहुंचकर कामता सिंह ने 7 के आदमी के हाथ से जल का लोटा ले लिया और आगे बढ़कर ज्वार के खेत के पीछे एक खुले मैदान में चले गए। शिकारी तथा दोनों आदमी उसी स्थान पर खड़े रहे। शिकारी भूमि सूंघता हुआ इधर उधर टहलने लगा। ठाकुर के जाने के 10 मिनट पश्चात ही जिधर ठाकुर गए थे उस ओर से ठाकुर का कंठ स्वर सुनाई पड़ा। उन्होंने एक बार पुकारा, शिकारी। शिकारी तुरंत चौकन्ना हो गया। एक क्षण के लिए उसने उस ओर देखा और दूसरे ही क्षण वह झपट कर उस ओर दौड़ा। पहुंचकर उसने देखा कि कामता सिंह रक्त से लथपथ भूमि पर लौट रहे हैं और एक व्यक्ति भागा जा रहा है। शिकारी तुरंत उस भागते हुए आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। वह व्यक्ति कठिनता से 20-25 गज के फासले पर गया होगा कि पीछे से शिकारी उस पर टूट पड़ा। शिकारी के फांदने से वह व्यक्ति झोंके में मुंह के बल गिरा, परंतु तुरंत ही घूमकर खड़ा होने लगा। इसी समय शिकारी ने उसका गला पकड़ लिया। व्यक्ति के हाथ में छुरा था। उसने उससे 2 वार तो किए, परंतु फिर वह शिथिल पड़ गया और उसके हाथ से छुरा छूट पड़ा। शिकारी ने 2-3 झटके देकर उसका काम तमाम कर दिया। यह व्यक्ति रामचरण अहीर था। शिकारी के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। रामचरण को छोड़कर वह लौटा, थोड़ी दूर चला और गिर पड़ा, फिर उठकर चला, फिर गिरा। इस प्रकार 3 बार गिर उठकर वह कामता सिंह से 3 गज की दूरी पर पहुंच गया। दोनों लठबंद हक्का बक्का से कामता सिंह के पास खड़े थे। सहसा एक उनमें से बोला, यह तो ठंडे हो गए, जल्दी जाकर गांव में खबर करो। वह आदमी उधर गया। उधर शिकारी पेट के बल घिसटकर कामता सिंह की लाश की ओर जाने लगा। खड़ा हुआ व्यक्ति मंत्रमुग्ध की भांति शिकारी की ओर ताक रहा था। अब कामता सिंह की लाश शिकारी से 1 गज की दूरी पर रह गई थी। शिकारी शिथिल होकर निश्चेष्ट हो गया। कुछ क्षण तक वह पड़ा रहा। उस व्यक्ति ने समझा कि शिकारी भी समाप्त हो गया,
परंतु सहसा शिकारी ने अपना अंतिम बल लगाया। दो झटकों में वह घिसट कर कामता सिंह की लाश के निकट पहुंच गया। लाश के निकट पहुंचकर उसने लाश की छाती पर अपना मुंह रख दिया और इसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहानी का शीर्षक सहचर। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वाचक अमित पांडे।